मोहल्ला क्लिनिक बनाने का दावा करने वाली आप सरकार 7 साल में महज 520 मोहल्ला क्लिनिक बना सकी है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में जानकारी दी थी। आप भी सुने, अगर चौदह वाली सरकार क्लिनिक बनाने को 520 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक दे चुकी है। 1000 क्लिनिक मेहरोली जिला के जो कार्यकर्ता खड़े हैं वहाँ पर दो कुर्सियों के बीच में जो सीढ़ी है वहाँ भी बैठ सकते हैं, अगर स्थान मिल जाए तो कृपया बैठने की कृपा करें। अगले कुछ साल मंथ हुआ है बट 1 मंथ में मैंने देखा है कि यहाँ पानी की बहुत ही शॉर्टेज है। यहाँ पे हमें पानी परचेज करके पीना पड़ता है, पानी की प्रॉब्लम है। मतलब ये नहीं कि 2 घंटे या 3 घंटे इकट्ठा दे दे, एक आधा में खा लेगा फिर चले थोड़ी देर के लिए है, मतलब पूरा पानी ही नहीं देगा पीने और नहाने धोने का मेरी तरफ रह गया, पीने का पानी नहीं पड़ता। 4 लोग हैं हम, बस कर रहे हैं मैंने जैसे भी चल रहे हैं, ये बहुत दिक्कत आ गई है। प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे और वर्तमान में गांधी स्मृति न्यास के उपाध्यक्ष हमारे बीच में है आदरणीय विजय गोयल जी, जो कीजिए प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री रहे आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे बीच में है, जोरदार तालियों से उनका पूर्व अध्यक्ष भी है उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन। उत्तर पूर्वी लोकसभा से सांसद पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मनोज तिवारी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। दक्षिणी दिल्ली से सांसद भाई रमेश बिदुरी जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। पार्टी के पूर्व संगठन मंत्री वर्तमान में असम के सह प्रभारी आदरणीय पवन शर्मा के हमारे बीच में है, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए। उत्तर पश्चिमी लोकसभा से हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय हंसराज हंसी जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। बहन नकुल शर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है हमारे बीच में है, उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन। कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करने के लिए दिल्ली में भले ही एमसीडी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है लेकिन दिल्ली बीजेपी एमसीडी की हुंकार भरने के लिए आज तालकर टोरा स्टेडियम में केजरीवाल सरकार के खिलाफ पोल खोल यात्रा के लिए एक बैठक की है जिससे पूरे दिल्ली से कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा है। यहां पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटपरगंज से बीजेपी नेता अर्जुन सिडाना है। अर्जुन जी, कैसे पूरे प्रकरण को आप देखते हैं और आपको क्या लगता है कि इस पूरी जो आज की जो बैठक है भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है, क्या कुछ संदेश देने की कोशिश है? मेरा नाम अर्जुन सिंह राणा है और मैं भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ और उत्तराखंड प्रकोष्ठ का प्रभारी हूँ और मयूर विहार पटपरगंज में मैं रहता हूँ त्रिलोकपुरी में। आज ये दिल्ली सरकार जो झूठ में झूठ बोल रही है उसके पोल खोल अभियान का ये 4th-5th पार्ट है, क्योंकि इनकी पोल हम लगातार 7 साल से खोल रहे हैं। देखो, अरविंद केजरीवाल का झूठ तो आपने भी देखा होगा, उत्तराखंड में जाके बोलते हैं दिल्ली में मैंने एक पुल बनाया 150 करोड़ बचाया, पंजाब में बोलते हैं 300 करोड़ बचा दिया, फिर वो कहीं और जाते हैं वहाँ कुछ और बोलते हैं। और आपने अभी पीछे देखा होगा हिमाचल के अंदर जी खालिस्तानियों के झंडे लगे हुए थे, तो जहां अरविंद केजरीवाल है वहां लफड़ा है और जहां अरविंद केजरीवाल है वहां दिल्ली वो स्टेट 20 साल पीछे है। इतने बड़े सम्मेलन से क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की जा रही है, क्या माना जाए कि ये एमसीडी चुनाव से पहले भाजपा का एक शक्ति प्रदर्शन है? भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 साल काम करती है, भारतीय जनता पार्टी का लगातार संगठन काम करता है। हमारे लिए चुनाव कभी भी आ जाए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हरदम तैयार रहता है और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली को 20 साल पीछे ले गए हैं, दिल्ली के अंदर चाहिए ट्रिपल इंजन की सरकार, केंद्र में भाजपा, दिल्ली में भाजपा और एमसीडी में भाजपा,
तो हम दिल्ली जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को 20 साल पीछे ले गया, हम दिल्ली को 20 साल आगे कर देंगे। तो कार्यकर्ताओं में भारी जोश है और दिल्ली बीजेपी की तरफ से ये सम्मेलन रखा गया है और ये जिसमें बड़े नेता उपस्थित हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की बात करें, सांसद मनोज तिवारी की बात करें, प्रवेश वर्मा की बात करें, रामवीर सिंह भिदोड़ी की बात करें, सारे लोग उपस्थित हैं और यहाँ से एक कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश की गई है। ताकत का प्रदर्शन है और आने वाले दिनों में जो MCT के चुनाव होंगे उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कसनी शुरू कर दी है। लगातार पोल खोल यात्रा जो इनकी चल रही है, इसी के साथ इनका ये भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने जो 7 साल दिल्ली की जनता को ठगने का अकने का काम किया है उसको अब बीजेपी एक्सपोज करेगी और MCD चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी।